हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं सोलर सिस्टम के एक आइस जायंट यूरेनस के बारे में। यूरेनस सूर्य से सातवां ग्रह है और यह एक गैसीय सियान कलर का गैस जायंट है। इस ग्रह का अधिकांश भाग पदार्थ के सुपरक्रिटिकल फेज में पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है, जिसे खगोल विज्ञान में बर्फ या वाष्पशील कहा जाता है। ग्रह के वायुमंडल में एक कई लेवल वाली क्लाउड्स की संरचना है और सौरमंडल के सभी ग्रहों में इसका न्यूनतम तापमान 49 केल्विन है और यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से करीब 20 गुना अधिक दूर है। यह सूर्य के चारों ओर 84 पृथ्वी वर्ष की परिक्रमा अवधि में एक चक्कर लगाता है और इसके ध्रुवों को लगातार 42 वर्षों तक निरंतर सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसके बाद 42 वर्षों तक निरंतर अंधकार रहता है और इस ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल हैं, जिन्होंने इसकी खोज 13 मार्च 1781 को की थी और ये सौरमंडल में सबसे ठंडे तापमान वाला ग्रह है। यूरेनस 6.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का चक्कर लगाता है और इसकी चौड़ाई 4 पृथ्वी के बराबर है और इसके ज्ञात उपग्रह 27 हैं। यूरेनस की चट्टानी कोर आयरन और मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी है और इसमें मेंटल की जो सरफेस है वो पानी, अमोनिया और मीथेन से बनी है और ये ग्रह इतना विशाल है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के एरिया का 16 गुना इसका एरिया है और इसकी मीन डेंसिटी लगभग वाटर जैसी है, 1.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यूरेनस से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज़ को 21.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए, तब वो इसकी ग्रेविटी से बाहर जा सकता है और इसका एक्सियल टिल्ट आप देख सकते हैं 97 डिग्रीज है और इसका अल्बेडो अर्थात लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो पावर है वो कम है, 0.3 है और इसके एटमॉस्फेयर 27.7 किलोमीटर तक है और इसके एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन है। इसके अलावा इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ड्यूटेराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और आइसी वॉलेटाइल्स अमोनिया, वाटर आइस, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और मीथेन हाइड्रेट इत्यादि हैं और इसके 5 बड़े चंद्रमा हैं, मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन। सौरमंडल के ग्रहों में यूरेनस का डायमीटर तीसरा सबसे बड़ा है और मास चौथा सबसे बड़ा है और वर्तमान मॉडलों के आधार पर इसकी अस्थिर मेंटल परत के अंदर एक चट्टानी कोर है और इसके चारों ओर एक डेंस हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर है। यूरेनस के वायुमंडल में कई अनक्लियर्ड जलवायु की घटनाएं भी हैं, जैसे इसकी 900 किलोमीटर प्रति घंटा की एक्सट्रीम हवा की गति और इसकी पोलर कैप्स में डिफरेंस और इसमें अनियमित बादलों का निर्माण। अन्य विशाल ग्रहों की तुलना में इस ग्रह की इंटरनल हीट भी बहुत कम है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। और अन्य विशाल ग्रहों की तरह यूरेनस में एक रिंग सिस्टम है, एक मैग्नेटोस्फीयर और 28 ऑर्बिट करने वाले मून्स हैं और इसका रिंग सिस्टम अत्यंत डार्क है, जिसमें आने वाली लाइट का लगभग 2% ही रिफ्लेक्ट होता है। और यूरेनस के सैटेलाइट सिस्टम में 18 रेगुलर मून्स हैं, जिनमें 13 छोटे इंटरनल मून्स हैं। इसके अलावा ग्रह के 5 बड़े चंद्रमा हैं, मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन। यूरेनस इतना बड़ा है कि इसमें 63 अर्थ समा सकती हैं। 9 ज्ञात रेगुलर मून्स यूरेनस से बहुत अधिक दूरी पर ऑर्बिट कर रहे हैं और ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर अत्यधिक एसिमेट्रिक, असममित है और इसमें कई चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इसके रिंग्स और इसके चंद्रमाओं के ब्लैक पड़ने का कारण हो सकता है। और इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 20.1 AU है और सूर्य से न्यूनतम दूरी 18.3 AU है। यूरेनस नेकेड आई से दिखाई देता है लेकिन बहुत धुंधला है और 1781 तक इस एक ग्रह के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया था, जब इसे पहली बार विलियम हर्शेल द्वारा देखा गया था। यूरेनस का एक वर्ष 84 पृथ्वी वर्ष के बराबर है और इसकी सतह का तापमान -220 डिग्री सेंटीग्रेड है।
इसकी खोज के लगभग 7 दशक बाद आम सहमति बनी कि ग्रह का नाम ग्रीक देवता यूरेनस ओरानोस के नाम पर रखा जाएगा, जो कि ग्रीक आदिम देवताओं में से एक हैं। और यूरेनस के एक चंद्रमा से लिया गया यूरेनस का दृश्य आप देख सकते हैं। और 2024 तक इसे केवल एक बार करीब से देखा गया है, जब 1986 में वॉयेजर 2 ने इस ग्रह के पास से उड़ान भरी थी। हालांकि आजकल इसे टेलीस्कोप्स द्वारा देखा जा सकता है। यूरेनस शनि ग्रह की तुलना में सूर्य से लगभग दोगुनी दूरी पर है और इसका अक्षीय झुकाव एक्सियल टिल्ट 97 डिग्रीज है। सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को बाथ समरसेट इंग्लैंड में 19 किंग स्ट्रीट स्थित अपने घर के गार्डन से यूरेनस का पहली बार अवलोकन किया था। हालांकि हर्शल ने अपनी खोज को धूमकेतु के रूप में वर्णित करना जारी रखा, अन्य एस्ट्रोनॉमर्स को पहले से ही इस पर संदेह था। रूस में कार्यरत फिनिश स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स जोहान लैक्सेल इसकी ऑर्बिट की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे और इसकी लगभग गोलाकार ऑर्बिट ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि यह धूमकेतु की बजाय एक प्लैनेट था। यूरेनस नाम आकाश के प्राचीन यूनानी देवता यूरेनस प्राचीन ग्रीक का संदर्भ देता है, जिसे रोमन पौराणिक कथाओं में क्रोनस शनि के पिता और ज्यूस बृहस्पति के दादा और एरेस मंगल के परदादा के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक बड़ा ग्रह यूरेनस से टकराया था, जिससे ये अपने एक्सिस पर 97 डिग्री तक झुक गया। ऐसी परिकल्पना की गई है कि सौरमंडल का निर्माण गैस और धूल की एक घूमने वाली डिस्क से हुआ, जिसे प्री सोलर नेबुला के रूप में जाना जाता है। और इस नेबुला की अधिकांश गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ने सूर्य का निर्माण किया और धूल के कणों ने मिलकर पहले प्रोटो प्लैनेट का निर्माण किया। और जैसे जैसे ग्रहों की संख्या बढ़ती गई, उनमें से कुछ ने अंततः पर्याप्त पदार्थ अर्थात मैटर को एकत्र कर लिया। उन्होंने जितनी अधिक गैस को पकड़ा, वे उतने ही साइज में बड़े होते गए। और ग्रहों के माइग्रेशन के हालिया सिमुलेशन ने सुझाव दिया है कि दोनों बर्फीले ग्रह अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना में सूर्य के करीब बने और अपने बनने के बाद बाहर की ओर चले गए। इसे नाइस मॉडल कहा जाता है। इसका कोर चट्टानी सिलिकेट कोर है, उसके बाद लिक्विड मेंटल है जो पानी अमोनिया और मीथेन से बना है, और इस लिक्विड मेंटल का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूरेनस प्रत्येक 84 वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसा कि तारों की पृष्ठभूमि में देखा गया है। और 1781 में खोजे जाने के बाद से ग्रह दो बार मार्च 1865 और मार्च 1949 में बाइनरी स्टार जेटा टॉरी के उत्तर पूर्व में अपनी खोज के बिंदु पर लौट आया है और अप्रैल 2033 में फिर से इस स्थान पर वापस आएगा। और इसके एटमॉस्फेयर का मास 0.5 अर्थ के बराबर है और इसका एटमॉस्फेयर हीलियम हाइड्रोजन और मीथेन से बना है। मीथेन उच्च दबाव अर्थात प्रेशर में कार्बन डायमंड में बदल जाती है और हीरे की बारिश के रूप में मेंटल में गिरती है। यूरेनस पर लाइट की इंटेंसिटी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 20 गुना अधिक दूरी होने पर पृथ्वी की इंटेंसिटी का लगभग 1/400 है। यूरेनस के ऑर्बिटल एलिमेंट्स की गणना सबसे पहले 1783 में लाप्लास द्वारा की गई थी और समय के साथ प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व ऑर्बिट्स के बीच डिफरेंसेस दिखाई दिए। और 1841 में जॉन काउच एडम्स ने पहली बार प्रस्ताव दिया कि यह अंतर किसी अदृश्य ग्रह के ग्रेविटेशन पुल के कारण हो सकता है। 1845 में एस्ट्रोनॉमर अर्बेन ले वेरियर ने यूरेनस की कक्षा में अपना शोध शुरू किया और 23 सितंबर 1846 को जोहान गॉटफ्राइड गैले ने वेरियर द्वारा अनुमानित स्थिति में एक नया ग्रह खोजा, जिसे बाद में नेपच्यून नाम दिया गया।
यूरेनस के आंतरिक भाग का रोटेशन पीरियड 17 आवर्स 14 मिनट है और सभी विशाल ग्रहों की तरह इसके ऊपरी वायुमंडल में रोटेशन की दिशा में तेज हवाएं चलती हैं और कुछ अक्षांशों पर जैसे कि लगभग 60 डिग्री दक्षिण में वायुमंडल की कुछ विशेषताएं बहुत तेज़ी से चलती हैं जिससे कम से कम वहाँ चक्कर 14 घंटे में ही पूरा हो जाता है। और यूरेनियन रोटेशन एक्सिस लगभग 82.23 डिग्री या 97.77 डिग्री के एक्सियल टिल्ट के साथ सोलर सिस्टम के प्लेन के पैरेलल है। यूरेनस के भीतर अत्यधिक दबाव और तापमान मीथेन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है और कार्बन एटम्स हीरे के क्रिस्टल में कंडेंस हो जाते हैं और ओलों की तरह मेंटल के माध्यम से बरसते हैं। यह घटना हीरों की बारिश के समान है जिसे वैज्ञानिकों ने यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न और जुपिटर पर मौजूद माना है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस की गहराई में सुपर आयनिक वाटर मौजूद है। और यूरेनस की लिक्विड इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसकी कोई ठोस सतह नहीं है और गैसीय वातावरण धीरे धीरे इंटरनल लिक्विड लेयर्स में परिवर्तित होता जाता है। यूरेनियन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत थर्मोस्फीयर और कोरोना है जिसका टेम्परेचर 800 केल्विन से 850 केल्विन के आसपास एक समान होता है। इतने उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हीट सोर्सेज को अभी समझा नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।